विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के भूमिका अध्ययन कर रहे थे कि प्रधानाध्यापक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत हम जो है आज प्रधानाध्यापक के नेतृत्व संबंधी गुणों का अध्ययन करेंगे। प्रधानाध्यापक जो है विद्यालय का प्रधान होता है, अर्थात एक जहाज में जिस प्रकार से जहाज का कप्तान जहाज को अपने दिशा निर्देश में आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार से प्रधानाध्यापक अपने दिशा निर्देशन में अपने बुद्धि कुशलता के माध्यम से एक विद्यालय एक संस्था का मैनेजमेंट अपने अधीन कार्यरत स्टाफ के साथ में मिलकर करता है। ये कार्य उसके नेतृत्व क्षमता के अंतर्गत आते हैं। जो प्रधानाध्यापक का जो प्रशासनिक गुण है वह सबसे महत्वपूर्ण है, नेतृत्व क्षमता अर्थात लीडरशिप। लीडरशिप जिसकी जितनी सशक्त होगी जितनी सक्षम होगी वह उतना ही सक्षमता से कार्य भी संपन्न कराएगा। तो प्रधानाध्यापक की नेतृत्व भूमिका को प्रशासनिक नेतृत्व के रूप में माना जाता है। प्रशासनिक नेतृत्व का आशय व्यक्ति की उस कुशलता एवं योग्यता से है जिससे वह प्रत्येक संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करे। संस्था के अंदर जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का समुचित उपयोग कराना और उससे एक विद्यालय को प्रगति की ओर ले जाना, ये विद्यालय ये प्रधानाध्यापक के नेतृत्व गुण के अंतर्गत आता है। इसी में बॉसिंग नामक शिक्षाविद हैं, उन्होंने प्रधानाध्यापक की नेतृत्व भूमिका में उस 6 गुणों का होना अनिवार्य रूप से माना है। वह उसमें से पहला गुण है समाज का नेतृत्व करना, क्योंकि प्रधानाध्यापक विद्यालय के अंदर ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करेगा जो समाज के लिए उपयोगी होंगे, राष्ट्र के लिए उपयोगी होंगे। एक राष्ट्र को एक समाज को सुनागरिक प्रदान करने का कार्य प्रधानाध्यापक अपनी शिक्षा संस्था में करता है। जो उसके संस्कार है, जो उसकी सद शिक्षा है, जो उसकी कार्य कुशलता है वो बालक के अंदर नजर आनी चाहिए, जिससे बालक राष्ट्र के निर्माण में अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सुनागरिक बनने में जो है शिक्षा के माध्यम से जो है अच्छा सुनागरिक बन जाएगा। तो समाज को नेतृत्व की क्षमता प्रदान करना एक प्रधानाध्यापक का दायित्व होता है। वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को क्योंकि विद्यालय में समाज के व्यक्ति भी आएंगे, उसके जो बालक आ रहे हैं वो समाज से ही आ रहे हैं और समाज के व्यक्ति अभिभावक जो है विद्यालय से संपर्क करने प्रधानाध्यापक के पास ही आते हैं, तो वह अपने नेतृत्व क्षमता के माध्यम से उनको संतुष्ट करता है, उनको नई नई नीतियों से अवगत कराता है। ये कार्य जो है समाज के नेतृत्व का कार्य भी जो है एक प्रधानाध्यापक पर होता है। नेक्स्ट है नित्य नई समस्याओं का समाधान। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे सामने नई नई समस्याएं आती रहती हैं। उन समस्याओं का समाधान एक प्रधानाध्यापक अपने समझ बूझ के माध्यम से किस प्रकार से करता है, किस प्रकार सुगमता से उस समस्या का समाधान निकाल लेता है, ये एक उसकी लीडरशिप पर निर्भर करता है। कुछ प्रधानाध्यापक में ये लीडरशिप बहुत अच्छी होती है जिससे वे किसी भी समस्या को पूर्व में ही आभास कर लेते हैं, अर्थात हम ये कहें वो दूरदर्शिता की दृष्टिकोण से देखते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं या जो हम नवीन नीति चला रहे हैं या जो नए योजना हम चला रहे हैं उसके दूरगामी जो है परिणाम क्या होंगे, उन परिणामों को भान कर वह उन समस्याओं का समाधान पूर्व में ही निकाल लेता है और जब समस्या प्रस्तुत होती है तो तुरंत उसका समाधान निकाल कर उस समस्या का समाधान कर देता है। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी। एक प्रधानाध्यापक को महत्वाकांक्षी होना बहुत अनिवार्य है। जितना अधिक वो महत्वाकांक्षी होगा उतना ही वो नई नई योजनाओं को, नई नई नीतियों को, नई नई प्रणालियों को अपने विद्यालय में लागू करने का प्रयास करेगा या नई नई जानकारियों को हासिल करने का प्रयास करेगा। और जब वो नई जानकारियों को स्वयं हासिल करेगा
तो वह अपने अधीन शिक्षकों को, विद्यार्थियों को उन योजनाओं का मूल्य महत्व से अवगत कराएगा। इस प्रकार से एक अध्यापक को, एक प्रधानाध्यापक को महत्वाकांक्षी होना बहुत अनिवार्य है। यदि उसमें महत्वाकांक्षा नहीं है और वो डल प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा है तो वह विद्यालय में भी नई नई योजनाओं को संचालित नहीं कर पाएगा। अगला है विषय का विशेषज्ञ। वह जिस विषय का विशेषज्ञ है, अर्थात जिस विषय से वह जुड़ा हुआ है, उस विषय के बारे में उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए और उस जानकारी के को तुरंत अपने अध्यापकों को अवगत कराना चाहिए। क्योंकि जब कोई समस्या आएगी, जब हम कोई कार्य करेंगे, कोई उनके शिक्षण शिक्षक जो उनके अधीन शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जब वो कार्य कर रहे हैं तो उनके पास समस्या आएगी। उस समस्या का समाधान के लिए उसको उनकी बारीकियों को तक तह तक उसको जाना अनिवार्य है, तभी वो अपने विषय का विशेषज्ञ माना जाएगा और तुरंत उसका समाधान वो कर देगा। नेक्स्ट है विभिन्न व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध। समाज के विभिन्न व्यक्तियों से उसका संपर्क होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको जो है समाज के व्यक्तियों से, छात्रों के अभिभावकों से, राजनेताओं से, अधिकारियों से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको संस्था को संचालन करने के लिए पत्र व्यवहार के माध्यम से या डायरेक्ट उनके से इंटरव्यू के माध्यम से या उनका इंस्पेक्शन में हम उनका संपर्क कर सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों से हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सबको जो है हमारे उन सभी व्यक्तियों से संबंध जो है हमारे मधुर होने चाहिए, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होने चाहिए, ताकि हमारी एक छवि एक समाज में बने, एक देश में बने और हम सबके लिए सहायक हो सकें। आगे है सामाजिक शैक्षिक दर्शन का ज्ञात। जो सामाजिक शैक्षिक दर्शन है, समाज के उत्थान के लिए जो शिक्षा है, जो एक बालक में जिन गुणों का होना अनिवार्य है, जो समाज के कल्याण के लिए होने चाहिए, उन गुणों को सम्मिलित करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से बालक को उन नई नई शिक्षा से बालक को अवगत कराना चाहिए और एक नवीन समाज की स्थापना करनी चाहिए। जो प्राचीन प्रथाएं जो आज अपना मूल्य खो चुकी है, उन प्रथाओं को यदि हम अपनाते हैं तो हमारा जो है समाज में वो वर्चस्व, वो स्थान नहीं होगा जो हमारा स्थान होना चाहिए। अर्थात उन मूल्यों का, उन प्रथाओं के दुष्प्रभाव से बालकों को अवगत कराना चाहिए और बालक ही आगे भविष्य में समाज में उन प्रथाओं का परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। इसलिए सामाजिक शैक्षिक दर्शन भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो समाज में एक योग्य छात्र को निर्मित करने में सहायक हो सके। इस प्रकार से एक प्रधानाध्यापक के अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानाध्यापक एक जो है जहाज के कप्तान के समान, जो रायबर्न है उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जहाज में कप्तान का स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। उसके बाद है प्रधानाध्यापक को विद्यालय एक दीपक के समान बताया है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज, शिक्षक, छात्र सबको आलोकित करता है। इस प्रकार से उसके अंदर ये गुणों का होना अनिवार्य। आज का आपका ग्रह कार्य है वॉशिंग के अनुसार प्रधानाध्यापक के नेतृत्व संबंधी गुण बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, बार बार हाथ धोते रहिए।